दोस्तों आपको टेस्ट का रूल बता दें, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद 3 या 4 सेकंड दिए जाएंगे उत्तर पता करने के लिए। प्लीज़ अपना स्कोर नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना। पहला क्वेश्चन दोस्तों, अब पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? 3 या 4 सेकंड दिए जाते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपने लगाया ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है, सीन नदी के तट पर स्थित है। नोट कर लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हिंदू पथ कहा जाता है? दोस्तों हिंदू पथ कहा जाता है, किसको कहा जाता है? 3 या 4 सेकंड दिए जाते हैं आपको। आपने लगाया ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, महाराणा सागर को दोस्तों हिंदू पथ कहा जाता है। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसोई की गैस का मिश्रण है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार पूछा गया था दोस्तों। आपने लगाया ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, ब्यूटेन और प्रोपेन का रसोई गैस का मिश्रण है। नोट कर लेना दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस बैंक ने हाल ही में तत्काल परियोजना आरंभ की है? वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इसे नोट कर लेना, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस बैंक ने दोस्तों तत्काल परियोजना आरंभ की है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, भारतीय स्टेट बैंक ने दोस्तों हाल ही में तत्काल परियोजना आरंभ की है। नोट कर लेना, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, एनेलिडा शब्द लेटिन भाषा के किस शब्द से बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 से 4 सेकंड दिए जाते हैं आपको। जी आपने लिखा है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है, एनुलस से दोस्तों। एनेलिडा दोस्तों शब्द लेटिन भाषा के एनुलस शब्द से बना है, नोट कर लेना भैया, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष हुई थी? आपने लगाया ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना, 1906 में हुई थी दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया की दोस्तों स्थापना 1906 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव रुधिर का पीएच मान है? दोस्तों मानव रुधिर का पीएच है, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 से 4 सेकंड दिए जाते हैं आपको। जी आपने लगाया ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है, 7.4 दोस्तों मानव रुधिर का पीएच मान है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, भारत का सर्वप्रथम छोड़े जाने वाला उपग्रह कौन सा है? वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, सबको पता होगा कौन सा है। आपने लगाया ऑप्शन नंबर 2 आर्यभट्ट, बिल्कुल राइट है दोस्तों, भारत का सर्वप्रथम छोड़ा जाने वाला उपग्रह आर्यभट्ट है, नोट कर लेना, 100% भाई इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एयरफोर्स में पूछा गया प्रश्न है ये। आपने लगाया ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है, रुद्रदामन है दोस्तों। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख जूनागढ़ शासक का है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, यांत्रिक ऊर्जा की ऐसा इकाई है? वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, तैयारी कर रहे हैं तो सबको पता होगा, नीचे कमेंट में जरूर इसका आंसर बताएं। वैसे दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है, जूल है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। अब अपना नीचे कमेंट में बताएं आप सभी को कितने क्वेश्चन आते हैं, 10/10 आते हैं, सबको 10/10 होने चाहिए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।